नमस्कार दोस्तों, एसपीएल लाइव लर्निंग में आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि शहरी हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, जहां पर मनरेगा के अंतर्गत जो वर्क किया जाता है उसमें मैंने छोटा मोटा काम कराता हूं पंचायत के माध्यम से, तो वहां पर जो है मुझे बहुत से मजदूरों ने यते किस कई जगह के ऐसे सरपंच महोदय भी हैं जिनको रोजगार सहायक के अलावा ऑनलाइन वर्क स्टेटस कैसे चेक करते हैं, कहां कहां लेबर का वर्क लगा हुआ है, लेबर का पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, इन सब चीजों से जो है जानकारी उनको नहीं रहता है। यहाँ तक कि जो काम करने वाले जो मजदूर भाई हैं तो वो भी फोन करके पूछते हैं कि मतलब वहाँ का पेमेंट हुआ नहीं हुआ। तो फोन से ना बात करके मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ, और जिस प्रकार से मैं वीडियो में बताऊंगा मेरे बताए अनुसार आप भी काम करके अपने ही मोबाइल से घर बैठे आप पेमेंट चेक कर सकते हैं, कितने दिन हमने वहां पर काम किया है और हमारा पेमेंट हुआ है तो कब हुआ है। ये सारी डिटेल्स जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं। उसमें मास्टर निकाल के आपको दिखाऊंगा और उसमें पेमेंट डेट और कितना रुपए का बिल लगा है प्रतिदिन की मजदूरी और कितना रुपए हमारा पेमेंट है, ये सारी जानकारी जो है इस वीडियो में बताने वाला हूं दोस्तों। तो चलो चलते हैं और करते हैं वीडियो को स्टार्ट और जान लेते हैं कि मतलब ऑनलाइन घर बैठे अपने मोबाइल से बिना आईडी और पासवर्ड के हम कैसे हम पेमेंट चेक कर पाएंगे जॉब कार्ड नंबर के माध्यम से। तो दोस्तों, हम सबसे पहले सर्वप्रथम हम जो है अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउजर ओपन कर देने के बाद यहाँ सर्च बार में ये देखिए, यहाँ पर ये सर्च बार है, हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं MG नरेगा हम जो है टाइप कर देते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे आ जाता है MG नरेगा, इसे हमको ओपन करना है। और जैसे यहाँ पर फर्स्ट लिंक आता है ये देखिए महात्मा गांधी नेशनल रूलर, इसको हमको क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुलकर आ जाता है। यहाँ बहुत सारी जानकारियाँ भरी हुई हैं, देख सकते हैं आप इस प्रकार से जूम करके ये, और इधर जो ये छह खाने बीच में दिखाई दे रहे हैं ये भी सब काम की चीज़ें हैं। लेकिन अभी आपको मैं सिर्फ जॉब कार्ड के माध्यम से आपको मस्टर और पेमेंट के बारे में समझाना चाहता हूँ। तो दाएं साइड ये देख लीजिए, यहाँ पर आता है जॉब कार्ड, इसको हमें क्लिक करना होगा। और जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुल के आ जाता है। पूरा स्टेट यहाँ शो कर रहे हैं, आप जिस भी स्टेट से हैं अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैं जैसे मध्य प्रदेश की तो अपना मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए खुलकर इधर भी आ गया, इस प्रकार से इंटरफेस खुलता है। तो यहाँ पर हमें वित्तीय वर्ष चूज करना है, तो हम जिस वर्ष का हमको देखना है उस वर्ष का देखेंगे। जैसे हम अभी 2020-21 का देखना है तो हम 2021 सेलेक्ट कर देते हैं, आप जिस सन का भी देखना चाहें वही सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आ जाता है यहाँ जिला डिस्ट्रिक्ट, तो हमारा अनूपपुर है तो हम अनूपपुर सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आ जाता है ब्लॉक, यहाँ पर ब्लॉक चयन करना है यानी तहसील, तो हमारा पुष्पराजगढ़ है तो हम पुष्पराजगढ़ चूज़ कर लेते हैं। और यहाँ सेलेक्ट ग्राम पंचायत है तो हम यहाँ ग्राम पंचायत, यहाँ जितने मतलब ब्लॉक के अंदर जो ग्राम पंचायत होंगे ये सभी यहाँ शो करने लगते हैं। जैसे कि मेरा अमदरी है तो मैं अमदरी चूज कर लेता हूँ। इसके बाद आगे बढ़ें, यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे पंचायत के संपूर्ण जो है जॉब कार्ड यहाँ पर खुलकर सामने आ जाता है। अब हमको जैसे कि हमको किसी के खेत में या खेत तालाब या तो सड़क, ये देखिए इधर नाम भी दे रहा है एक साइट
और इधर जो ये ब्लू कलर में जो दिखाई दे रहा है ये है। इस प्रकार से इसको खिसका करके आप नीचे ऊपर भी कर सकते हैं। और नीचे ऊपर करके आप इधर किसी को भी देखना चाहें देख सकते हैं। मैं जो है आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिखा देता हूँ, आप फिर किसी का भी आप चाहे देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, ये रेड कलर में है, देखिए छोटी बाई, हमने इसको देखना है। तो इसके ये जो जॉब कार्ड नंबर है, रजिस्ट्रेशन नंबर सहित, हमको इधर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही उसका जॉब कार्ड डिटेल्स आपके सामने खुल के आ जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है छोटी बाई, और यहाँ बुनियादी गीत जिसका नाम है, और यहाँ जो है जॉब कार्ड है, ये 184A। अब हम इसको नीचे चलते हैं। यहाँ जो ये दिख रहे हैं, ये खेत तालाब निर्माण जो भी है, जहाँ जहाँ काम अगर किए रहेंगे तो उनका काम जो है इस प्रकार से यहाँ शो करने लगेंगे। तो हमें जैसे यहाँ हितग्राही का नाम रहता है कि किसके जगह में काम किए हैं, या तो कहीं रोड में, या तो किसी खेत तालाब में, या कहीं भी जहाँ भी, तो उसका नाम जो है यहाँ शो करेगा। और यहाँ जो है इसका डेट दिखाई दिया रहता है, कब से कब का मतलब ये काम है, और यहाँ जो है कौन किया है काम, इसमें उनका जो है नाम रहता है, जिस जॉब कार्ड में नाम हो। तो हम उसी को, जैसे हम ये लास्ट वाला सबसे देख लेते हैं, हमें लास्ट में दिखा रहा है खेत तालाब निर्माण तीरथ सिंह मोती सिंह, ये अंदर ही है, हमारी दिखाई दे रहा है। तो उसके जो बाजू वाले में जो नंबर दिख रहे हैं, हमको इसे क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही हमारे सामने इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा, और यहाँ पर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, सभी जानकारी यहाँ पर दिया हुआ है। और नहीं, यदि आपको मास्टर ही देखना है, तो आप यहाँ पर जो ब्लू कलर का जो ये नंबर दिए हैं, यहाँ जो है आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस अभी खुलकर आ जाएगा, और आपका जो है मास्टर सामने आ जाएगा। ये देखिए, ये मास्टर खुल गया है। अब यहाँ इसको हम जूम करके देखते हैं, ताकि स्पष्ट रूप से सबका नाम भी समझ में आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, यहाँ जो है मास्टर रोल संख्या है, ये मास्टर रोल संख्या हो गया, कार सहित यहाँ जो है वर्क कोड दिया हुआ है, ये देखिए, और यहाँ जो है कब से कब काम चालू हुआ है, 26/5/2020 से 10/6/2020 तक इसमें काम चला है। और ये कार्य का नाम दिया हुआ है यहाँ पर, ये देखिए, खेत तालाब निर्माण तीरथ सिंह मोती सिंह अमदरी। अब हम यहाँ अपना नाम हम देख लेते हैं, जैसे जिसका भी पेमेंट देखना है, तो हमको जैसे किसी का भी देखना है, यहाँ कोई भी व्यक्ति, उस मास्टर में जितने यहाँ पर नाम है सब नाम आ जाएंगे। हमको जैसे भारत सिंह का देखना है, तो ये देख लीजिए, इसका ये प्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ये प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट, यहाँ 15 दिन काम किया है इसने, और ये 180 रुपये का जो है प्रतिदिन की मजदूरी का बिल लगा हुआ है, और ये टोटल जो है 15 दिन का जो है 2700 रुपये है। किस अकाउंट में? सेंट्रल बैंक है, तुलरा में है। उसका IFSC कोड नंबर भी दिया है, और यहाँ ये बैज लिस्ट नंबर दिया है, और यहाँ क्रेडिट लिखा हुआ है, क्रेडिटेड। यदि पेमेंट अगर हो जाता है तो यहाँ क्रेडिटेड लिखा रहता है, यदि पेमेंट नहीं होगा तो ये डेट, और ये क्रेडिटेड और ये डेट नहीं शो करेंगे। ये तीनों खाने जो है खाली रहेंगे, तो आप समझ जाइए कि इसका भुगतान अभी पेमेंट नहीं हुआ है। और जब पेमेंट हो जाता है तो यहाँ डेट शो करने लगता है, और यहाँ क्रेडिटेड लिखा रहता है। अच्छा, किसी में ऐसा भी होता है कि पेमेंट तो हो जाता है, लेकिन यहाँ जहाँ क्रेडिटेड की जगह में
रिजेक्टेड या तो फिर फेल्ड लिखा रहेगा, तो उसमें भी उसके अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा, चाहे भले अकाउंट में शो भी करेगा। तो ये रही दोस्तों मस्टर देखना और मस्टर में से उसका पेमेंट देखना। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में और भी जानकारियां आपको हम दे देंगे। दोस्तों आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि हमारे चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी से रिलेटेड वीडियो जो है आपको मिलती रहेगी। नमस्कार।